ये आपको बताएंगे, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज तलब कर लिया गया है, जबकि अपोजिशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा रखी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अज़म रहमान से। अज़म रहमान, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जो है वो आज तलब कर लिया गया है। इससे पहले इजलास जो था वो 10 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था, लेकिन आज जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है उसका इजलास तलब कर लिया गया है। अपोजिशन ने यहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ जो है तरीके अदम-ए-एतमाद भी जो है वो पेश की गई है। गुज़श्ता रोज़ जो है जो एनपी के पार्लिमानी लीडर हैं सरदार हुसैन बाबक, उन्होंने ये कहा है कि तरीके अदम-ए-एतमाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत खत्म करने के लिए नहीं पेश की गई, बल्कि असेंबली को तहलील होने से रोकने के लिए जो है की गई है। अगर जो है हुकूमत वो ये यकीन दहानी करवाती है कि असेंबली को तहलील नहीं किया जाएगा तो वो तहरीकी अदम-ए-एतमाद जो है वापस भी ले सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज दोपहर 1 बजे जो है वो तलब किया गया। आप देखते ही हैं कि वहां पर तहरीकी अदम-ए-एतमाद जो है वो पेश की जाएगी।